अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समीना सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड एंड फैशन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी तवा चिकन बर्गर। तो चलें फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तवा चिकन बर्गर के लिए मैंने ये चिकन को मैरिनेट कर लिया है। फ्रेंड्स, इसकी मैरिनेशन का क्लिप जो है वो मिस हो गया है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इसे तकरीबन मैंने 2 घंटे तक मैरिनेट करके रखा है। इसमें मैंने नमक, सुरख मिर्च और चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और 3 लेमन जो हैं वो स्क्वीज़ करके तो दही में इसे मैरिनेट कर दिया है। तकरीबन देखें फ्रेंड्स, तवा मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इस पर मैं ये कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और इसे गर्म होने दूँगी। फ्रेंड्स, अब ये मैरिनेटेड चिकन के जो ब्रेस्ट पीस हैं इनको मैं तवे पे डालूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तब इसे डालूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें फ्रेंड्स, चिकन के जो ब्रेस्ट पीस हैं इनको मैंने तवे पे डाल दिया। फ्रेंड्स, इस तरह बर्गर बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखें चिकन के पीसेस की मैंने साइड चेंज कर दी है। अब यहाँ पे मैं इनको कवर करके तो तकरीबन 10 मिनट एक साइड से कुक करूँगी और फिर 10 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करूँगी। फ्रेंड्स, बर्गर की सॉस बनाने के लिए मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है, मायोनीज डाली हैं, रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं और ये कुछ मैंने वाइट तिल डाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें नमक इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि चिली गार्लिक सॉस में भी और मायोनीज में भी ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस तरह बर्गर की सॉस बहुत ही मज़े की बनती है। फ्रेंड्स, बर्गर की सॉस रेडी है कि हमने कितनी आसानी से घर में बहुत अच्छी सॉस रेडी कर ली है। देखें फ्रेंड्स, बर्गर में यूज़ होने के लिए ये मैंने गोल स्लाइसेस में खीरे काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं और इसी तरह रिंग्स में प्याज काट लिए हैं। 10 मिनट हो गए हैं। चले फ्रेंड्स, चेक करते हैं और इसकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाह ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, इतनी मज़े की, इतनी कमाल की खुशबू है कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखें फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से एक साइड से हमारे ये चिकन के पीसेज जो हैं ये डन हो चुके हैं। देखें, आप कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। जी 10 मिनट के लिए मैं इस साइड से भी कुक करूंगी कवर करके, तो 10 मिनट बाद चेक करते हैं। देखें फ्रेंड्स, हमारे चिकन पीसेज बहुत शानदार बने हैं। मैंने इनको डिश आउट कर लिया है, अब हम अपने बर्गर रेडी करेंगे। और वहीं देखें फ्रेंड्स, तवे को मैंने माइनर सा ग्रीस कर लिया है, दोनों साइडों से अच्छी तरह गरम कर लूँगी। बर्गर सॉस लगाऊंगी दोनों पर। देखिए फ्रेंड्स, बर्गर सॉस मैंने लगा ली है। अब इसमें मैं ये टमाटर, खीरे और ये रिंग्स में कटी हुई कुछ प्याज इस पर रखूँगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉस को ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल रखी है। ये देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ्रेंड्स, इतनी कमाल की खुशबू है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखें, बर्गर हमारा रेडी है। मैं इसी तरह दूसरा भी रेडी कर लूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल फूड एंड फैशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। जज़ाकअल्लाह।